व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। बहुत ज्यादा अंधेरा है और हम लोग आ चुके हैं विशाखापट्टनम के आरके बीच पे। ईशा कह रही है कि ये कितना अच्छा बीच है, अब जूता बचा के इसमें पूरा बालू घुस जाएगा। ये तो इसको तो अभी तक नहीं पता था बीच है, और यहीं पे हम लोग बैठे हुए थे। चांद कैसे सुंदर, और पानी में रिफ्लेक्शन इसका और भी सुंदर। कहाँ आई हो? विशाखापट्टनम सागर के किनारे। तो गाइस अभी समंदर किनारे हैं, समंदर की लहर। यहाँ का लहर देखोगे ना तो कहोगे ऐसा लहर हम देखे ही नहीं थे। यार यहाँ से आ रहा है वो, बहुत ऊपर तक लहर आता है। और मेरा फोटो इसी में रखा हुआ है, लहर दिख रहा है। हाँ सोचो अभी लोग नहा रहे हैं, रात को पता नहीं चलेगा कहाँ गया। लोग अभी भी नहा रहे हैं। हाँ हेलो, जब यहाँ पे देख सकते हो आप, मनीषा आ चुकी है समुद्र किनारे और पहली बार इतनी तेज लहर देख रही है ये। कैसा लग रहा है मनीषा? तो सबसे खास बात पता है क्या, लोग अभी भी नहा रहे हैं। आ गया पानी यहाँ तक, तो बात ही नहीं कर रही है कैमरा में। बोलो, आके एकदम शांत हो गई समुद्र किनारे। अच्छा लग रहा है? एन चश्मा दिख रहा है आधा। हम लोग बैठ चुके हैं बस में विशाखापट्टनम में। जब मैं कॉलेज में जाता था ना, तब मैं बस में बैठ के जाता था कॉलेज। 6 रुपए का टिकट था, 6 रुपए में 20 किलोमीटर जाते थे। जगदम्बा सॉरी कॉलेज चैतन्य। तो अभी हम लोग दोनों बस में बैठ गए विशाखापट्टनम। 11th 12th का कॉलेज है वो, यहाँ 11th 12th का कॉलेज ही बोलते हैं हमारे यहाँ भी, तो यही है। चलो गाइस, तो बस में बैठ चुके हैं, जगदम्बा जा रही है हमारी बस। जगदम्बा बता गई, अभी हम लोग ऑटो वाले को पूछे तो बोला 250। मैं बोला कि यहाँ चल दो, खाली बस है हमारा। सागर किनारे दिल ये पुकारे, कजरा रे। गई है समुंदर, समुंदर के किनारे किनारे हमारी बस चल रही है। कितना अच्छा फील हो रहा है, और यहाँ पार्क वार्क सब है। वहाँ इंडियन नेवी का बेस भी दिखेगा। यहाँ से नहीं, वो मुंबई साइड से निकलता है। यहाँ क्रूड ऑयल निकाल, ये देखो एकदम समुंदर यहाँ तक है, दीवार तक। हम लोग आ चुके हैं जगदम्बा, जगदम्बा जंक्शन। और यहाँ पे जगदम्बा जंक्शन पे झंडा मारा, कितना प्यारा लहर रहा है। और यहाँ मॉल भी एक, तो गाइस यहाँ पे हम लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, लव वाइजक वाले पे दोनों की। बहुत प्यारा लग रहा है, चलते हैं। मैं सबसे अच्छी बात ना है, यहाँ पे मनीषा करवाने जा रही है फिश मसाज, जो कि कुछ इस तरीके से होने जा रहा है, पैर का फुट मसाज। डर नहीं, डर करना क्या है, चलो। यहाँ मॉल में फिश मसाज करवाने जा रही है। तो अभी मनीषा ये मॉल में, और मॉल में भी फिश मसाज करवाने वाली है। अरे ये देखो कैसे डर रही है। रखो, कुछ नहीं होगा। अरे रखो ना, कुछ नहीं होगा। इसको भी सेम हुआ था, आपको भी सेम हुआ था। आराम करो, कुछ नहीं होगा, आराम करो, रिलैक्स। क्या हुआ? नीचे वो भी यहाँ से गुदगुदी हो रहा है। तो वैसे आप देख सकते हो मनीषा का हालत खराब हो गया, इसके पैर में इतना भयंकर गुदगुदी हो रहा है, इतना भयंकर, क्योंकि ये सारी मछलियाँ पैरों को खा रही है। अभी भी लग रहा है, ये मेरे फिंगर के पास ही घुस गई है। ओ गुदगुदी हो रहा है, मजा आ रहा है, गुदगुदी हो रहा है, निकाल रहा है। पैर को आराम मिलेगा, पैर को आराम मिलेगा, टेंशन मत लो।
देख भी नहीं पा रहे कुछ लोग अगर कहीं नेगेटिव कमेंट करेंगे तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि फुट मसाज से फिश को भी फायदा है और हमारे पैरों को भी फायदा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। मैंने करा लिया फिश मसाज एंड मिस्टर राज अब करा रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं लेकिन हम नहीं करवा रहे हैं। और यहाँ बहुत ज्यादा कॉस्टली है, पैम्पर प्लस स्ट्रेचिंग मीन जीरो ग्रेविटी। हो रहा है इनका मसाज, मेरे को हिचकी आ रहा है इसलिए बोली पड़ रहे थे कहाँ गए। वाह एकदम फील एकदम मस्त। अब मसाज हम बोले करा लीजिए, कम से कम हमारा तो हो गया, इनका ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत थक जाते हैं, खड़े रहते हैं एकदम ऐसे ही कमर का करेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ देख सकते हो यहाँ टैटू वगैरह भी बनने का है एंड मस्त हो रहा है मसाज, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा पैर को और कमर पीठ को। ऐसे भी इनका मसाज देख, पेट का भी मसाज हो रहा है और पीठ का भी मसाज हो रहा है, एकदम मस्त मसाज हो रहा है। यहाँ पे एक और जगह खाली है मेरे लिए लेकिन हम अभी नहीं कराना है मुझे। और सबसे मस्त नहीं हम कराएंगे एक सिंगल मसाज थेरेपी विद वंडरफुल रिजल्ट। तो ना एक आपसे बात बोले, आप एक 240 वाला करा लीजिए, अभी 100 दे दिए ना उसी में बोल देते हैं 240 करा दे। क्या सुनना करा दे, एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। गाइस अभी यहाँ मिस्टर राज करा लिए एंड अब चलते हैं। कैसा लगा? मजा आया। यहाँ हमारी मिली एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर, अभी बोल रही है अरे यार आप लोग वाइजिंग में क्या कर रहे हो, अभी हम लोग जस्ट लड़ाई कर रहे हैं। अभी इनको पूरा वो देंगे डिस्क्रिप्शन। तो आपको तेलुगु आती है बोलने, आप बात करो ना, मैं बात करके दिखाऊंगी। एक बात करो चश्मा ना माइनस ना इनकी पढ़ाई यहीं से हुई है। श्री प्रकाश श्री चैतन्य कैसे लगा आपको वाइबर? बहुत अच्छा लगा। बीचेस गए आपने? हाँ बस बीचेस गए और यहाँ पे शाम को। हाँ फिर आपके बीच गए बस 10 मिनट। अब कल प्लान बना रहे थे पूरा घूमने, सबसे पहले तो विश्वास नहीं होता कि ये लोग यही है कि नहीं, क्योंकि अभी वहाँ अभी यहाँ कैसे। पहले तो हॉस्टल में रहता था वाइजैग में, वहाँ श्री प्रकाश में, फिर चैतन्य उधर मधुरवाड़ा साइड गोया पाला में। कौन सी बीच अच्छा लगा? अभी एक ही बीच गया के बीच का ऋषि कुंडा लेके जाऊंगा। नहीं बोल रहे थे और चलने के लिए लेकिन अभी मना कर देना क्योंकि 2 घंटा पहले ही पहुंचे, फिर सारा सामान रख के आए इधर खाने पीने। बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं थिएटर में और यहाँ पे पानी पी रही है मनीषा। मैंने बोला कि आज पुरानी यादें ताज़ा करते हैं क्योंकि हम लोग जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो आउटिंग मिलता था ना, तो जगदम्बा में मूवी देखने आते थे। तो ये मनीषा को भी वही फीलिंग दिला रहा हूँ, गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग। गर्लफ्रेंड बन वैसे विशाखापट्टनम में तो कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं। चलो और थिएटर देखो आप लोग एक बार ध्यान से कैसा है, देख रहे हो कितना दूर तक है, वहाँ तक है भाई साहब, खतरनाक। पहली बार मैं इस हीरोइन को तेलुगु बोलते हुए देख रहा हूँ, वैसे तो पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं। वैसे बोल रहे भाई, रात के 1 बज रहे हैं अभी, 10 मिनट पहले हम लोग वापस होटल आए मूवी देख के। मूवी था द केरला स्टोरी, बहुत मतलब एक सच्चाई पे कहानी बनाई हुई है वो, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो मुझे ये जान करके बहुत बेकार लगा कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ हुआ है, और सीरियसली बहुत डिसहार्टनिंग था। कश्मीर फाइल्स एक मूवी थी, वो एक मूवी तो मतलब चलो मूवी के जरिए बताया गया है, हकीकत ही था। और एक केरला फाइल्स, ये भी दिल दहलाने वाला चीज़ है। खैर अभी मनीषा को बोला मनीषा थोड़ा कमर दबा दो,
बाकी गाइस मैं आप लोगों को अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अपने सेक्शन का, तो मुझे बहुत, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता लेकिन मैं आज वीडियो देखा तो मुझे पता लगा कि मुझे मतलब पहचान में आया कि अच्छा ये बंदा है, और बहुत दुख हुआ अंदर से। तो माता रानी उनके पूरे परिवार को, जो राजवीर जी हैं उनके पूरे परिवार को शक्ति दें, और भगवान उनकी प्रेजेंस हमेशा साथ रखें ताकि उनकी कमी उनके परिवार वालों को एहसास ना हो, शक्ति दें, सभी चीज़ ठीक हो। माता रानी से ही प्रार्थना है, और मेरी तरफ से जितना हो सकेगा, जहाँ तक मैं पर्सनली नहीं जानता था और कमेंट के थ्रू मैंने देखा, और मैंने मेरी पर्सनली कभी पहले इंटरेक्शन नहीं हुई थी उनकी, लेकिन अभी मैं रात को जैसे कमेंट पढ़ा मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं डिस्कस कर लूँ। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और उनके पूरे परिवार को, उनकी वाइफ को, उनके घर वालों को, जब भी ज़रूरत पड़े, अगर मैं वैसे मुझे लगता नहीं लेकिन 1% भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा रहूँगा। और बस इस कठिन समय में सभी लोग उनका साथ दें, उनको भगवान खूब सारी शक्ति दे।